डिफाइन ओवुलेशन, क्या बोला? डिफाइन ओवुलेशन, ऑन विच डे इट ऑकर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ओवुलेशन को आपको डिफाइन करना है और कौन से डे में ये ऑकर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है? चलिए हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जैसा जान रहे हैं, अभी जो जून मंथ है, जून का जो महीना चल रहा है वो ख़त्म होने को है। जून 15 आपका आ चुका है, जून मंथ आपका ऐसे कम्प्लीटली कहा जाए तो ख़त्म होने को आ ही रहा है, 15 दिन का पार हो चुका है। तो अगर अभी से अगर आप लोग ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हो और ऐसे मेहनत करते हो तो यकीन करो जो 2023 बोर्ड में आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे, 2023 में जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं हर दिन आपके लिए ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स वाले, 2 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मैं आपको डील कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, जो कि मैं ऐसे आपके सामने वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट इतना ही कर रहे हैं कि आप लोग रेगुलर के जो वीडियोज़ है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ज्ञान कहीं से भी मिले आपको उसको बटोर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको वो फ़ायदा ही करेगा। पूरे के पूरे YouTube कम्युनिटी पे आपको जो मिलता है वीडियोस, आपको 90% तक ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपको 90 या 99% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, बाकी के छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्टिव करा रहे हैं, और मैंने ये आपको पहले बोल रखा है, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले जब होगा तब हम लोग का जो सीरीज़ है वो ऑब्जेक्टिव का चलेगा। और सब्जेक्टिव का इसीलिए पहले से स्टार्ट किए हुए ताकि आप लोग जो है उसमें तैयारी में आप लोगों को कोई कोताही ना हो सके। तो इसलिए आप लोग ध्यान दो, पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी का पार्ट वन, जो कि जिसमें 60 क्वेश्चंस थे, जो कि 10-10 करके मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, कंप्लीट हो चुका है 2 नंबर के लिए। ये पार्ट टू भी चल रहा है तो 2 मार्क्स के लिए ही चल रहा है, पार्ट टू भी 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए चल रहे हैं। पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन के लिए होंगे, तो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग टोटल क्वेश्चंस जो देखेंगे वो अप्रॉक्स 50 होगा, 50 देखेंगे। लेकिन हम लोग एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चंस नहीं देख जाएंगे, हम लोग देखने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का क्या होता है, ठीक है? तो चलिए आंसर आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ऐसे समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहता है आंसर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यही 3 चीज होता है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आपका इकोसिस्टम, ठीक है? आप इसको बायोटिक बेसिक जो आपको बोलना बोल सकते हो। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है व्हाट आर द टेस्ट्स ऑफ ह्यूमन मेल कंसिडर्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, कौन कौन से टेस्टीज हैं जो कि ह्यूमन मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल आपको कंटेंट करते हैं, कौन कौन से? तो देखिए ह्यूमन टेस्टीज लाई इन स्कॉट्रम आउटसाइड द बॉडी कैविटी, ठीक है? जो स्कॉट्रम होता है बॉडी कैविटी के वो आपके आउटसाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए, कहता क्या है आपके स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से, डिफाइन ओवुलेशन, क्या बोला? डिफाइन ओवुलेशन, ऑन विच डे इट ऑकर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ओवुलेशन को आपको डिफाइन करना है और कौन से डे में ये ऑकर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है? चलिए ओवुलेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवुलेशन आपका सॉरी एक्सपल्सन है, यानी कि निकलने का, मैंने एक्सपेंशन बोल दिया, एक्सपल्सन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ठीक है? और इट टेक्स प्लेस ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल्स का स्टार्ट होता है उसके 14th डे पर ये ऐसे प्लेस ले लेता है, अपना जगह ले लेता है, ताकि ऐसे वो कोई स्पर्म आए तो उसमें ये फ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओइजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओइजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इट गिव्स राइज टू स्पर्म। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपको ऐसे स्पर्म को ऐसे क्या करता है, राइज करता है, बढ़ावा देता है। ओइजेनेसिस होता है, इट इज पोलर बॉडीज फॉर्म विच आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपका पोलर बॉडीज फॉर्म रहता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगा तो ये आपका ऐसे ओइजेनेसिस नहीं बनेगा, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, कहता है आपके स्क्रीन पर नेम द केमिकल्स रिलीज बाय द एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ऐसे केमिकल्स का आपको नाम बताना है, ठीक है? जो कि नेम द केमिकल्स रिलीज बाय द एक्रोसोम, जो कि एक्रोसोम के द्वारा रिलीज किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। तो आंसर क्या है देखते हैं,
स्पेंट्रोलिसिन इज सेक्रेटेड बाय एक्रोसोम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो इसको याद रखेंगे स्पेंट्रोलिसिन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रोफियोसोटोम एंड एक्टोडोम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का। और मैंने आपको बार बार बताया कि किसी भी वीडियोज में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ऐसे डिफरेंस पूछ रहा है तो भाई उसको जरूर से जरूर रट्टा मार के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कहता है ट्रोफियोसोटोड्रोम, देखो इट इज आउटर सेलुलर इन्वॉल्व ऑफ ब्लास्टोसाइस्ट वेयर एन एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट सेलुलर टाइप ऑफ गैस्ट्रुला। देखिए आपका जो ट्रोफिसिट्रोड्रोम होता है ये आपका आउटर सेलुलर होता है इन्वॉल्व, ठीक है, ब्लास्ट सिस्ट का, लेकिन एक्टोडर्म आपका आउटर मोस्ट सेलुलर टाइप होता है गैस्ट्रुला का, ठीक है। तो दोनों का याद रखेंगे, दो नंबर का इसलिए ज्यादा लिखने का जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, नेक्स्ट क्या कहता है, हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो का, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ऐसे चलेंगे। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका नाम बताइए। तो ह्यूमन प्लेसेंटा से आपका ऑस्ट्रोजन, HCG, ह्यूमन क्रोनिक और गोनाडोट्रोपिन है से आपका सेक्रेट करता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में तो इस पर पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता था। तो कहता है इट इज द फर्स्ट मिल्क दैट कम्स आफ्टर द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑफ 2 to 3 days। ये पहला दूध होता है, पहला जो कि फीमेल के ऐसे चेस्ट से बाहर आता है कब, जब उसका मेमरी ग्लैंड से बाहर आता है, जब ऐसे बेबी बर्थ हो जाए ना, 2 से 3 दिन होता है तब ये आता है, तो इसको याद रखेंगे। जिसमें गाय वगैरह में फेंसा उसको नाम दिया जाता है, फेंसा, जो कि पहला दूसरा दिन का काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से भरा होता है वो। चलिए क्वेश्चन 9 आते हैं, डिफरेंस बिटवीन वैस्कोटोनोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। देखो मैंने बार बार बताया है कि कितने भी डिफरेंस हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में मैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा कराने वाला हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, आप उठा करके देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए। चलिए तो कहता है डिफरेंस बिटवीन वैक्सेटोनोमी एंड ट्यूबेक्टोनोमी। तो वैक्सेटोनोमी क्या होता है, तो स्टरलाइजेशन प्रोसीड्योर इन द मेल इज कॉल्ड वैक्सेटोनोमी। स्टरलाइजेशन प्रोसीड्योर जो होता है ना मेल में उसको ना वैक्सेटोनोमी कहते हैं, और ट्यूबेक्टोनोमी होता है स्टरलाइजेशन प्रोसीड्योर इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोनोमी। ठीक है, आपका ये मेल के लिए और ट्यूबेक्टोनोमी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो कि लास्ट है, नेम द डिवाइसेस व्हिच आर यूज अंडर द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड के तरह यूज़ करने के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो देखिए आप ऐसे कॉन्डम यूज़ कर सकते हो, अगर आप मान लीजिए आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी तो कॉन्डम यूज़ करो, ठीक है, कॉन्डम यूज़ करो, डायफ्राम यूज़ करो, सर्विक का क्लैप यूज़ करो और वॉल्स यूज़ करो, ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो आप ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे जो हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं ये VBI क्वेश्चन में से देखे, आप उठा कर देख लेना क्वेश्चंस का, जितना भी आपका होगा प्रीवियस ईयर का सारे के उठा कर देख लो, और देखना कि उसमें ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसी रहेगी, आगे और भी इसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। और जो आपका क्वेश्चंस का PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका PDF आप कहीं से भी ले सकते हो, कमेंट कर देना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं से भी आपको लेना आप कमेंट कर देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, आपका हमारे इस वीडियो पर बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।